भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बुआई के संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि जिले में हो रही बारिश की वजह से किसान अपनी फसल की बुआई करने के लिए खाद, बीज, दवाइयों की जरूरत के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि बाजार बंद है, जिससे किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की 1 साल व 6 माह की रोजी रोटी का सवाल है, क्योंकि किसान पूर्णतः खेती पर निर्भर है। अगर समय पर बीज, खाद, दवाई नहीं मिलती है तो किसानों को भारी समस्या हो सकती है। अतः खाद बीज की दुकानें पूर्ण रूप से खोलने का आदेश दिलाएं। कोई किसान बाजार आता है तो गरीब मजदूर किसानों को डंडे मारे जा रहे हैं, चालान बनाकर वसूली की जा रही है। वे कई किसानों को पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाकर किसानों पर जुल्म किया जा रहा है, जिसे रोककर किसानों को राहत प्रदान करें। बारिश के पानी से समय पर खाद, बीज, दवाइयों की व्यवस्था नहीं होने पर किसान रोजगार से भी दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर हो जाएगा। समय पर बुआई नहीं होने से, बीज नहीं उगने पर दोनों तरफ से किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों को जरूरत के हिसाब से खेती से संबंधित माल सप्लाई की श्रृंखला को भी खोलकर उन्हें राहत दिलाया जाना अति आवश्यक है। अतः भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि किसानों के लिए खाद, बीज, दवाइयों की दुकानों के अतिरिक्त समय खोलने, प्रशासन द्वारा किसानों को बाजार से खेती से संबंधित सामान खरीदने व किसानों के चालान न बनाकर उन्हें राहत दी जाए। भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा और महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में यह मांग की गई कि भाई जो किसान हैं, जिन लोगों के भी गेहूं की फसल की कटाई हो गई, गेहूं निकल गए हैं, उन लोगों की गेहूं की फसल की खरीदारी नहीं हो रही है और नई बरसात आ गई है, वापस मक्का की रही है, वापस फसल की बुआई हो रही है, जो खाद बीज की दुकानें नहीं खुल रही। अगर कोई किसान यहाँ पर आता है तो उसके साथ डंडे लाठी से मार पीट कर भगा दिया जाता है। और हम चाहते हैं, कलेक्टर साहब से मांग है हमारी कि भाई खाद बीज की दुकानें खोली जाए, जैसे कि किसान अपने खेत को जोत उतार के रेडी करे, खाद बीज समय पर मिल जाए, जिससे उनकी फसल का नुकसान नहीं हो, बर्बादी नहीं हो। अगर कोई किसान आता है तो उसके साथ डंडे से मारपीट नहीं की जाती, ज़बरदस्ती उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है और जब पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा है। वैसे ही किसान कम समझदार भोला डाला होता है, उस किसान के साथ अत्याचार नहीं करके और फसल खाद बीज की दुकानें खोलने की हमारी मांग है। किसान मोर्चा और महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान से हम ज्ञापन दिया है हमने कि किसानों की जो एग्रीकल्चर दुकानें हैं वो समय सीमा उनकी बढ़ाई जाए 11 बजे तक। पूरे जिले के किसान अगर आएंगे तो 11 उनको वैसे ही बच जाएगी, और दुकान अगर 6 बजे खुलेगी, कोई नहीं खोलता, 8 बजे दुकान खुलती है, और 11 बजे तक कैसे आ पाएगा। तो हम समय सीमा बढ़ाने के लिए कलेक्टर जी को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर देश है और हमारा पूरा देश इसी पर टिका हुआ है, और बारिश एक ही टाइम होती है। तो हम ज्ञापन इसी संदर्भ में देने आए हैं। क्या नाम है आपका? मंजू पालीवाल।